सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस फोटो का एडिट करने के लिए करना क्या है, जहाँ पे आप लोगों को इस बैकग्राउंड का डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद आप लोगों को ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। यहाँ से मॉडल को आप जब अपने ऐड कर लोगे तो गाइस आप लोगों को जो है कुछ स्टेप्स यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना है। एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद आपको उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना है। एंड आपके जो दोनों पैर होंगे पुप्स पर टू का जो लोगो है नीचे आपके उसके पीछे होने चाहिए, तो उसको हम रिमूव करेंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको साइज रख देना है। फिर इरेज़र टूल में जाना है। इरेज़र टूल में जाने के बाद आप लोगों का हार्डनेस को फुल कर देना है। एंड उसके बाद वीडियो को जूम करना है। एंड इसको इस तरीके से रिमूव कर देना है। फिर इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे इसको फिल कर देना है, जो हमें यहाँ पे रखना है ये वाला, और जो यहाँ पे हमने इसको पेंट किया इसको भी रख देना है। इस तरीके से पेंट कर देना है मतलब। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको इतना हो जाने के बाद आप लोगों को अपने मॉडल को टैप करना है एक बारी। एंड इसके बाद जो आपका मॉडल है इसका दोबारा एक डुप्लीकेट बना लेना है। एंड इसको सेम साइज में उसी तरह रख देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को जो है यहाँ पे इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ब्लैक एंड व्हाइट को ले लेना है कलर्स में जाके। एंड इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट जीरो कर देना है, इसका ऊपर से मर्ज कर देना है। इसके बाद नेगेटिव वाला लेना है आपको, वो भी मर्ज कर देना है। फिर कलराइज में जाना है। कलराइज में जाने के बाद इसका ह्यू जो है आप लोगों को पर्पल कलर का कर देना है, ठीक है, पर्पल कलर का। एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पे कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड उसके बाद उसका जूम डन कर देना है। फिर उसके बाद इरेज़र टूल में जाना है आप लोगों को, और इसका ब्लेंडिंग मोड आप लोगों को चेंज करके रख लेना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखना है सूटेबल कौन सा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो बाकी हम इसको रिमूव कर देंगे। एंड उसके बाद जिसको हम फटाफट यहाँ पर पेंट कर लेंगे, हमें सिर्फ हैंड हैंड पर चाहिए, तो इसको हम पेंट कर लेते हैं फटाफट। और अगर गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पे जो इसका ओपेसिटी कम लगे तो डुप्लीकेट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आगे इस पर इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको ऐड फोटो में जाना है। यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड एक ऐड करना है। उसके बाद जो आप लोगों को सिंपली इसको जूम कर देना है। एंड इसके बाद इरेज़र टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है। ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज इंक्रीज कर अपने अकॉर्डिंग रख लिया, हार्डनेस को कम कर देना है। एंड फोटो को जूम करना है। उसके बाद आप लोग ऐसे एक टीका टाइप यहाँ पर लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे इस फोटो को जूम करना है, मतलब नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको उसका जो ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे जो है लाइटन रख देना है। एंड इतना जाने के बाद वीडियो को कर देना है, फोटो कर देना है, डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना अपनी फोटो को जहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसको लेके चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि वहीं पे जब हम इसको कलर रिटच करके और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाएंगे। तो उसको हम ले चलते हैं। तो कलर लाइट रूम ऐप में जाने के बाद पहले हम इसका जो लाइट करेक्ट करेंगे, तो पहले इसका हम कॉन्ट्रास्ट को जो है बढ़ा देंगे, और जो हाईलाइट्स हैं इसको भी हम थोड़ा सा जो है हल्का सा इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड जो है यहाँ पे शेडोज़ को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, ब्लैक्स को कम कर देंगे। कलर्स में जाएंगे, कलर्स में जाने के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, और जो टेम्परेचर इसको कम कर देंगे। मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे पर्पल कलर। एंड उसको इसका जो है सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ल्यूमिनस को कम कर देंगे, और अगर सैचुरेशन की ज़्यादा हो जाए तो कम कर लेना उसको। बाकी यहाँ पे इसके बाद करना है कि आप लोगों को ब्लू कलर को लेना है। ब्लू कलर को लेने के बाद इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस कर देना, एंड कर देना डन। फिर इसका चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पर फोटो की आपको क्लियरिटी को बढ़ा देना है। फोटो में डाल देना विग्नेट अपने फोटो के अकॉर्डिंग। फिर इसका नीचे वाले टूल में जाकर आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना, ताकि फोटो जो आपकी HD क्वालिटी में अपलोड हो पाए। तो बाकी आज की मेरी वीडियो यही थी। तो वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।